हेलो सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है सियाम जफर और आज की वीडियो में हम लोग दो ग्राफिक कार्डों को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि दोनों में से कौन सा ग्राफिक कार्ड बेस्ट है। देखिए पहला ग्राफिक कार्ड उसका नाम है HD 7470 और दूसरे ग्राफिक कार्ड नाम है HD 7570। इन दोनों ग्राफिक कार्ड के ऊपर मैं वीडियो में साहब बना चुका हूँ, अगर आप जाकर वीडियो देखनी है तो जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, लेकिन मैंने दोनों ग्राफिक कार्ड आपस में कंपेयर नहीं करा। तो आज की वीडियो में इन दोनों ग्राफिक कार्ड कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा ग्राफिक कार्ड बेस्ट है। तो फिर वीडियो चलाने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही बने बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको मेरे चैनल के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। दोस्तों चलिए चलते हैं आज के इस कमाल की वीडियो को। पहला ग्राफिक कार्ड है उसका फुल नेम है AMD Radeon HD 7470 और दूसरे का फुल नेम है HD 7570, यानी कि दोनों AMD की तरफ से देखने को मिलते हैं। बात करें लॉन्च डेट की, दोनों की लॉन्च डेट बिल्कुल सेम है। दोनों ग्राफिक कार्ड 5 जनवरी 2012 को लॉन्च हुए थे। अब बात करते हैं इनके स्पेसिफिकेशंस की। दूसरी जो बात करें अगर HD 7470 का जो डायरेक्ट एक्स है वो 11.0 है और बात करें HD 7570 उसके भी 11.0 है, यानी कि दोनों में सेम है। बात करें शेडर की तो शेडर भी दोनों में सेम है 5.0 का। बात करें अगर हम ओपन जी एल की तो ओपन जी एल भी दोनों में सेम है 4.3 का। बात करें अगर रेजोलेशन की तो रेजोलेशन भी दोनों काफ़ी कार्ड बिल्कुल ही सेम है 2560x1600 है। इन दोनों काफ़ी कार्ड में जो चीज़ें सेम इसकी हैं क्योंकि दोनों जो काफ़ी कार्ड हैं ये एक ही डेट में लॉन्च हुए थे और एनपीडिया ने मतलब AMD ने इनको बिल्कुल सही तरीके से लॉन्च किया है। कुछ 19-20 का फर्क है दोनों ग्राफिक कार्ड में, जो आगे जाकर आपको सही पता चलेगा। बात करें मेमोरी की तो मेमोरी 512 MB वाला वेरियंट भी आता है और 1 GB वाला वेरियंट भी आता है, दोनों का मतलब दोनों सेम है। लेकिन जो आज की वीडियो में आपको 1 GB वाले वेरियंट के बारे में सच से बता रहा हूँ। बात करें मेमोरी स्पीड की वो तो 900 MB की है HD 7470 की। बात करें HD 7570 की बात करें तो वो 800 MB की है, यानी कि 100 MB कम है। बात करें अगर मेमोरी बस की तो मेमोरी बस जो बात करें HD 7470 की 64 बिट है और HD 7570 की 128 बिट है। यहाँ पे आपको काफ़ी फर्क नजर आएगा दोनों ग्राफिक कार्ड के बीच। बात करें मेमोरी टाइप की तो मेमोरी टाइप दोनों के GDDR5 है और GDDR3 है, यानी कि दोनों वेरियंट में आते हैं, लेकिन GDDR5 वाला पाकिस्तान में ज़्यादातर अवेलेबल है। बात करें अगर हम बात करें मैक्स पावर की तो मैक्स पावर जो HD 7570 की है वो 18 वॉट की है और HD 7570 की 60 वॉट की है। बात करें PSO की तो PSO 7570 के लिए हमें चाहिए वो 300 वॉट साथ में 22 एम्पियर का। बात करें HD 7570 में हमें जो चाहिए वो 400 वॉट साथ में 24 एम्पियर का। ये तो बात हो गई दोनों ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशन की। अब बात करते हैं दोनों ग्राफिक कार्ड के प्राइस रेंज की। दूसरे तो पहला ग्राफिक कार्ड है यानी HD 7470 ग्राफिक कार्ड आपको 2000 रुपये तक का पाकिस्तानी मार्केट पर देखने को मिल जाएगा, जबकि और ऐसे बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको 1800 की कीमत पर लगाया हुआ है। बात करें HD 7570 की तो ग्राफिक कार्ड मैंने खुद भी यूज़ करा तो ग्राफिक कार्ड आपको अराउंड 3000 से 3500 तक का मिल जाएगा। बहुत सी शॉप से वहाँ पर आपको ग्राफिक कार्ड 4000 रुपये तक का मिलेगा, लेकिन ग्राफिक कार्ड आपको जितना कम में मिलेगा वो इतनी अच्छी बात है। तो आप बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। दोस्तों अंडर मेरा ओपिनियन में जो मैंने ग्राफिक कार्ड यूज़ किया है खुद ही मैं आपको उसके बारे में बताऊँगा HD 7570 में, तो ग्राफिक कार्ड अंडर मेरा ओपिनियन बिल्कुल बेस्ट है। इसको मैं अच्छे खासी मतलब अच्छा खासा यूज़ किया इस ग्राफिक कार्ड को। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा ज़्यादा ग्राफिक कार्ड बाय करें, लेकिन अगर बजट थोड़ा कम है तो आप RS जो दूसरा वाला ग्राफिक कार्ड है HD 7470 वो भी खरीद सकते हैं, जो कि 2000 रुपये तक के देखने को मिलता है। या अगर आपका बहुत ज़्यादा बजट है तो आप दूसरे ग्राफिक कार्ड पर जा सकते हैं, जैसे कि GTX 650 और GTX 1250, जो कि आपको 5000 रुपये तक की प्राइस रेंज में देखने को मिलते हैं। तो बस आज इतना ही, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और जैसे काफ़ी मालूम की मिलेगी दोनों ग्राफिक कार्ड के रिलेटेड। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत ख़ास रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।